अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, धरती टीवी में भलीकार मां या मंजर अजीज सब खां पेरा शामिल कंदासी हन वक्त जो हेडलाइंस। पंजाब जी ईदड़ माली साल 2022-2023 की 32 खरब 26 अरब रुपये की टैक्स फ्री बजट पेश। सरकारी मुलाजमन की पगारों में 15% खास अलाउंस में 15%, पेंशन में 5% वाध जो ऐलान। सालियाने तरक्याती प्रोग्राम ले 22% इजाफे से 685 अरब रुपया मखसूस। कुल आमदनी जो काथो 2,521 अरब 29 करोड़ रुपया लगाया वो। गवर्नर पारा पंजाब असेंबली जो घुरायल बजट इजलास इकबाल पार्क लाहौर में डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी की सदारत हेठ थो। अपोजिशन के एक भी मेंबर शिरकत न कई। दखण पंजाब ले सालियाने तरक्याती प्रोग्राम जो 25% 2,40 अरब सोशल सेक्टर ले मजमू तौर 2,72 अरब 60 करोड़ रुपया रखने की तजवीज। 17,12 अरब रुपया जारी खर्चन। वजीर आला अवामी सहूलत पैकेज तहत 2 खरब और बोर्ड जो आफ रेवेन्यू जो हदफ 44% इजाफे से 95 अरब रुपया मखसूस। नॉन रेवेन्यू टैक्स की मद में 163 अरब 53 करोड़ रुपया काथो लगाया वो। शहरी इलाकन में स्टाम्प ड्यूटी की शेयर 1% बधाए 2% करण की तजवीज। 425 अरब 87 करोड़ रुपया पगारों में 312 अरब रुपया पेंशन की मद में रखा गया। 522 अरब रुपया मकामी हुकूमतन सेहत खाते ले 4,85 अरब 26 करोड़ 4,28 अरब 56 करोड़ रुपया तालीम ले मखसूस। नाणे वाले वजीर अवेश लिगारी चेवा है तरक्याती बजट जो 40% समाजी शोबे 24% इंफ्रास्ट्रक्चर ते बदला है। पंजाब में आईनी बोहरान बरकरार। एक डी में बजट इजलास पंजाब असेंबली के स्पीकर चौधरी परवेज इलाही तरफा कोठायल इजलास में पंजाब हुकूमत के तर्जमान अता तारड़ खिलाफ इस्तेकाक की रिथ मंजूर। बाद में इजलास सुभाने ताई मुलतवी किया वो। परवेज इलाही जो चवणा है तो हुकूमती इजलास गैर आइनी है, उनकी का अहमियत ना है। पंजाब के गवर्नर स्पीकर जा अख्तियार महदूद कर छड़ा। गवर्नर आर्डिनेंस जारी कर छड़ो। पंजाब असेंबली की खुदमुख्तारी खत्म करे असेंबली के कानून वाले खाते के मातहत दिनों वो। कानून वाले सेक्रेटरी अहमद रजा सरवर सेक्रेटरी असेंबली की हैसियत में अख्तियार संभाले वरता। ऐवान इकबाल में असेंबली सेक्रेटरियट की मुलाजमन के पहुंचने जो हिदायतों। जरियन मूजिब पंजाब असेंबली के स्पीकर के रवैये सबब इख्तियार महदूद करण जो फैसलो किया वो। जरियन मूजिब रूल्स ऑफ बिजनेस में आर्डिनेंस जरिए तरमीमू कई व्यू। सेक्रेटरी पंजाब असेंबली हाने कानून वाले खाते के मातहत कम कद। पंजाब असेंबली के समूरा नोटिफिकेशन कानून वाले खाते पारा जारी किया वा। पेट्रोलियम इस्पन की कीमतों में 55 रुपया फी लीटर वाद की समरी ओगरा हुकूमत के माने छड़ी। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में तब्दीली सबब समरी वफाकी हुकूमत के मोकली वही। ओगरा पारा पेट्रोल 29 रुपया फी लीटर और डीजल 55 रुपया फी लीटर महंगो करण की तजवीज। हुकूमत कीमतू वधाण न वधाण बाबत अज फैसलो क। नेपरा बिजली वधिक 42 पैसा महंगी करण की मंजूरी दे छड़ी। जरियन मूजिब कीमतों में वाद 3 माही एडजस्टमेंट की मद में 3 महीने लय कई वही है। बिजली की विर्च कदड़ कंपनी की दरख्वास्त नेपरा बिजली महंगी करण की मंजूरी दिनी। वहां पेदारन का 3 महीने ताई 42 पैसा हर महीने उगाड़। नंढन सूबन में इक्तसादी जोन मुकमल करण संदन पहरी अवलियत है। पाकिस्तान चीन माजी में एक बेसा निभायो है आई अगते बेहतरीन कम कंदा। रस्ते की खुशी इक्तसादी जोन ते चीनी टेक्नोलॉजी में फायदो हासिल कर रहा हूं। वजीर आजम शहबाज शरीफ जो
प्रेस कई में तकलीब के खिताब संदस चवण है तो कें बखूसूसी इकतसादी जोन जो संदन पैरों दौर है रशकई खसूसी इकतसादी जोन के तरक्याती कम जारी है। चीनी कंपनियों पाकिस्तान कंपनी की जदीद टेक्नोलॉजी बाबत सहकार कर रही है। पाकिस्तान चीन एक बे की तजुर्बन में फायदो हासिल कर रहा है। पीटीआई मेंबरन बजट तकरीर दौरान रंडक विचण की कोशिश कई पैरियां हुल हंगामू बाद में गारियों मेंबरन के किताब उछलाया व्या असा यो सब कुछ बर्दाश्त न कदासी पीटीआई मेंबर गार गंद ते लई आया गुजरियल डी जो असेंबली में थो वो मुजम्मत जोगो है। सिंध के वे वजीर सैयद मुराद अली शाह पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस कदे है तो बजट में को भी नो टैक्स न लगाया है। बजट आइन रूल्स मूजिब पास कई वी गैर तरक्याती बजट 70% है। गैर तरक्याती बजट में 256 अरब रुपया मकानी खाते ले रखा व्या सेहत खाते ले 75 अरब रखा व्या सोशल सेक्टर में 18 अरब ग्रांट रखी वही 15 अरब रुपया औरतों की माली सहायता बोल मुतासर रखा व्या सिंध में घणी जायू खाली है कुछ रुकावटों सबब वो नौकरियों न दई सकिया ईंदड़ साल 3700 नौकरियों दिनी वेंदियों एक ग्रेड का 4 ग्रेड जो नौकरियों आखिरी मरहले में आहिन ईंदड़ साल समूर जायू भरियों वेंदियों। फरागोगी के जिक्र से इमरान खान तड़पी तो पवे पीटीआई क्यादत के मौकिफ में तजाद है। इमरान खान इंतकाम वठन का सवाए कुछ भी न कयो सुध समाजी वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब चवा है इमरान खान पेंजे खिलाफ साजिश के छो लिखायो इमरान खान परडी साजिश जो शोशो छड़ो गुजरल हुकूमत करप्शन जा रिकॉर्ड तोड़े छड़ा इमरान खान मुल्क में दफेड़ पखेड़न चाहे तो इमरान खान कूड़ गालायण सबब पेंजी मौत पान मरी पीटीआई एक भेरों बीहर मुबैना अमरीकी साजिश की जांच ले जुडिशियल कमीशन जोड़न जो मुतालबो कर छो पीटीआई अगवान असद उमर श्री मजारी से गड प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान डीजीआईएसपीआ के बयान से रद्द अमल जाहिर कर खेस समझ में न पो अचे तो डीजीआईएसपीआर के यह गाल करण की कड़ी जरूरत हुई डीजीआईएसपीआर पान चयो तो फौज के सियासत का परे रखो संदन मुतालबो है अदालती कमीशन जोड़ी वने बुधायो वने तो साजिश जे करे हुई तो उनमें केड़ा मानू मुलविस हुआ कौम जो हक है तहकीकत ताई पहुंचे इमरान खान बीहर सुप्रीम कोर्ट के खत लिखंदो तो मामले की जांच कई वने। डीजीआईएसपीआर एक भेरों बीहर पीटीआई साजिश थ्योरी रद्द कर छी है इदारन की जांच बाद आईएसपीआर बयान दिनो है पीटीआई जो मौकिफ कूड़ो होजन के आईएसपीआर जो बयान हतमी है जबरदस्ती कूड़ के सच नथो बनाए सकजे पूरी कौम इमरान खान के दुबण में मुल्क के कढ़ने की कोशिश कर रही है। सिंध के सुध समावारे वजीर शर्जील इनाम मेमण जो पीटीआई अगवान असद उमर और श्री मजारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से रद्द अमल इलेक्शन कमीशन इमरान खान के 2021 की मिल्कियत जा तफसील जारी कर छड़ा इलेक्शन कमीशन मूजिब इमरान खान के 2020 की भेट में 2021 में मिल्कियत में 6 करोड़ रुपये का इजाफो थो इमरान खान 7 करोड़ रुपये जो कर्ज बुलाथो दस्तावेज मूजिब पीटीआई चेयरमैन इमरान खान 14 करोड़ 21 लख रुपये का मिल्कियत जो मालिक है। 2020 में इमरान खान की मिल्कियत की कुल मालियत 8 करोड़ का हुई मथस 2020 में 7 करोड़ रुपये का कर्ज हो बुशरा बीबी वट पाक पतन में 461 केनाल जमीन बनीगारा इस्लामाबाद में 3 केनाल जो घर है। एफआईए लाहौर मुस्लिम लीग काफ के अगवान मोनी सिलाई खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जो केस दाखिल कर छो एफआईए इख्तियारियों का चवण है तो जांच में शाहिद मिलने से केस दाखिल किया गया है। जरियन मूजिब मोनिस खिलाफ हुंडी जरिए रकम परे मोकलन जो इल्जाम है मोनी सिलाई जो चवण है तो वह अग भी अड़िन इंतकामी कार्रवाई के मुंह दई चुको है नून लीगी कुछ भी कन इमरान खान से गड बीठल रो शरीफन की असलियत के सुणिन पाया उन लिए कें लालच में न मोनू सिलाई केस ते कावड़ न करे हिय इमरान खान जो तोहफो है
जेको शुगर इंक्वायरी के नतीजे में सामू आयो है। घरू वजीर राणा सनावला चवा है इमरान खान के दौर में मौनी सिराई की गिरफ्तारी जो फैसलो थो हो। हि इंक्वायरी उन दौर में मुकम्मल की हुई। उन्होंने गुजरियल हुकूमत में तैयार फाइल से कार्रवाई शुरू कई। हि समूरी इंक्वायरी इमरान खान मुकम्मल कराए फाइल रखी छी हुई। मोनिस इलाई निजी कंपनी ठाई जै समूरा शेयर्स खरीद क्या। मोनिस इलाई के बाइज्जत तरीके से विहारे कागज दिखारा वा। केस में बिन जणन नवाज भटरी मजहर के गिरफ्तार किया गया है। सेनेट चेयरमैन सादिक सजरानी की सदारत हेठ सेनेट जो इजलास परवेज मुशरफ की बहस। पीपुल्स पार्टी के सेनेटर जोसफ रजा गिलानी चुका है तो परवेज मुशरफ वापस अचे तो हे संदस घर है। सभी सा एक जड़ो रवैयो होजन घुर्जे। वो फैसलो करने वारा नाहन। परवेज मुशरफ बाहर वो तो खेस को रोके न सको। कफूर हैदरी तो परवेज मुशरफ जिंदगी आई मौत की बवाटी से है। वो जैसे चवन तो परवेज मुशरफ वापस न अचे तो यो मुनासिब न होंद। सेनेटर इरफान सिद्दीकी चुका है हर शख्स एक जड़ो कानून हुए तो मुल्क अगते वधी सके तो। डॉलर की कीमत में वाद और रुपये की बेकदरी जारी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत तारीख की नई बुलंद तरीन सतह से पहुंची वही। फॉरेक्स डीलर चवना है तो इंटरबैंक में डॉलर एक रुपये चार पैसा महंगो थी 206 रुपया 56 पैसों जो थी वो। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर मसूद खान की व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात। पाकिस्तानी सिफारतखाने पारा जारी कल पदरनामे मूजिब मुलाकात में अमरीकी सदर जो बाइडन पाक अमरीका लागापा मजबूत बुनियाद से अगते बढ़ाने जो अज़्म जो इजहार कयो। पाकिस्तानी सफीर मसूद खान चवा है तो पाकिस्तान सिक्योरिटी व्यापार सीड़पकारी सकाफत समेत समूरन मैदान में अमरीका से गडजी कम करने जो ख्वाहिशमंद है। बेन मुल्क जर्मनी में एफएटीएफ जो इजलास पाकिस्तान पारा कल अगभराई जो जायजो वरतो वो। इजलास बर्लिन में 17 जून ताई जारी रहंदो। परदे मामले के मुल्कती वजीर हिनारबानी खर एफएटीएफ इजलास में पाकिस्तानी वफद की क्यादत कंदी। इजलास में एफएटीएफ एक्श प्लान तहत पाकिस्तान की अगभराई से गाल बोल प्लेनरी इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिव्यू ग्रुप आईसीआर की सिफारिश जो जायजो वरतो। परदे तर्जमान मूजिब पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट में निकरण जा इम्कान है।